अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार गोभी के चीज़ी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ये बहुत हेल्दी हैं। आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे, ये इतने मज़े के बनते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गोभी के कबाब बनाने के लिए मैंने एक अदद गोभी का फूल लिया। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, इस तरह से अलहदा कर लेंगे। गोभी के फूलों को मैंने अलहदा कर लिया। अब इसकी इस तरह से कटिंग करके मोटे मोटे इसको काट लेंगे, इस तरह से काटने, ज़्यादा बारीक नहीं करने। गोभी को मैंने काट लिया, ये देखें इस तरह से काटना है गोभी को। अब मैं गोभी को स्टीम दूंगी। स्टीम देने के लिए मैंने चूल्हे पे पानी रखा हुआ है, पानी हमारा बॉयल हो चुका है। ये मेरे पास जाली है इस तरह की, इसमें हम स्टीम देंगे। आप स्टीमर में भी दे सकते हैं स्टीम। अब इसके अंदर गोभी डाल देंगे। गोभी को मैंने जाली के अंदर डाल दिया। अब इसको कवर कर देंगे और स्टीम देंगे, अच्छी तरह स्टीम आ जाएगी इस तरह से कवर करने से। गोभी को स्टीम आ गई है, गोभी को स्टीम आने में 15 मिनट लगे हैं। ये मैं आपको चेक करके दिखा दी, ये देखें इस तरह से होनी चाहिए, ना ज़्यादा गली हो और ना ज़्यादा कच्ची हो। अब मैं इसको निकाल के इसको ठंडा करती हूँ। अब मैं एक बॉल के ऊपर कॉटन का कपड़ा रखूँगी, इस तरह से गोभी ठंडी हो गई है। अब इसका मैं पानी निकाल लेती हूँ इसके अंदर डाल के। अब कपड़े को इकट्ठा पकड़ के इस तरह से गोभी का पानी निकाल लेंगे दबा के। इस तरह से दबा के अच्छी तरह पानी निकाल लेना। गोभी का पानी मैंने अच्छी तरह निकाल लिया। अब गोभी को मैं दोबारा से बॉल के अंदर शिफ्ट कर लूँगी। अब मैं गोभी के अंदर मसाले ऐड करूँगी। नमक 1/2 टीस्पून, पीसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून ये ऐड कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून ये ऐड करेंगे, नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून ये ऐड कर देंगे, पीसी हुई काली मिर्च ये ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून ये ऐड करेंगे, अनियन पाउडर 1/2 टीस्पून ये ऐड करेंगे, आधा कप ब्रेड क्रम जाएंगे, 1/4 कप धनिया के पत्ते जाएंगे। एक अंडा लिया है मैंने, अंडे को मैंने फेंट लिया, आधा अंडा डाल देंगे, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में डालेंगे आधा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बाकी का जो अंडा बचा हुआ है वो भी ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे, मोज़रेला चीज़ 1/4 कप ग्रेट करके डालेंगे, 1/4 कप चेडर चीज़ आएगी ये भी ग्रेट कर लेंगे। अब मैं चीज़ को भी अच्छी तरह गोभी के अंदर मिक्स कर लूँगी। चीज़ मैंने मिक्स कर ली है, अब कबाब बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा हाथों में मिक्सचर लेंगे और कबाब को शेप दे लेंगे। इस तरह से शेप देते जाएंगे सारे, मैं इसी तरह बना लेती हूँ। कबाबों को मैंने शेप दे ली है, अब इनको फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई करने के लिए पैन के अंदर ऑयल डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून। ऑयल गर्म हो गया है, अब मीडियम आग पे कबाबों को फ्राई करेंगे। अब कबाबों को दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे। कबाब हमारे एक साइड से गोल्डन हो गए, अब मैं दूसरी साइड चेंज कर देती हूँ उनकी। बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। कबाब दोनों साइडों से गोल्डन हो गए, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ।
बाकी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। सारे कबाबों को मैंने फ्राई करके एक प्लेट के अंदर सर्व कर लिया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कैसे बनेंगे। ये बहुत मज़े के चीज़ी कबाब तैयार होते हैं। ये देखें, बहुत मज़े के कबाब हमारे तैयार हुए हैं। आप इन कबाबों को केचप के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।